रणमरीत साहब अंदर है, इनका कहना है कि रणमरीत ही छोड़ चुको। लो जी यहाँ पे तो नक्शे ही बदला हुआ है। ये कहना सी मैं उन्हें थले ला के रखा और मैं दबा के रखा हुआ, मैं सारा कुछ सुन लिया, चल पैर घुट तुहानू मैं हुने दी, इसलिए तो हनी चल परात लिया पानी इन्हां नू पी के वहा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। आज हम मौजूद हैं लाखों रुपए कमाने वाले फोक सिंगर आमिर सियाल, जो कि अपनी रन मुरीदी की वजह से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहे हैं। चलते हैं उनके घर, उनसे बात करेंगे कि क्या वजह इतने पैसे कमाने के बावजूद भी वो रन मुरीदी कर रहे हैं। कोई है बंदा घर? देखो अब कौन आता है कौन नहीं आता। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सर। किवें आज मेरे गरीब खाने थे? एडवोकेट साहब आपका इंटरव्यू करने आए हैं। मैं एडवोकेट नहीं, मैं तो फोक सिंगर हाँ, तो अपने पीरां दा। एडवोकेट भी हैं फोक सिंगर भी हैं आप? ठीक है। नहीं नहीं मैं सिर्फ अपने पीरां दा मुरीद हाँ। केड़े पीर ने तुहाडे? अंदर आओ ना, ओ इत्थे गल्लां गली मल्ला, अंदर आओ। पक्की गल्ल? अंदर आओ। नहीं की अजकल मैं सुनया बड़ी रन मुरीदी कर रहे हो तुसीं? ओ भाई जी नहीं, अजकल मैं पूरा दबा रख्या होया है, वो गल्लां पुरानियां हो गईयां ने। मैनूं हकीकत दस दिओ भरा, लगना तुहाडा रन मुरीदी है या नहीं है? भट्टी साहब उन रन मरीदी छोड़ दी यार, अजकल माशाल्लाह मेरे शो तो शो बज रहे ने, इन्ना पैसा कमाई दा तो हूँ मैं रन मरीदी, हूँ बेभाभी ताड़ी मेरे कदमा च वेंदी है, मैनू मुठियां पड़दी है। पक्की गल है? ओ वीर जी की हो गया तुसी? ऐ ना होवे कि असी अंदर जाइए तो फिर वही सिस्टम हो रहा हो। मैं एक सैलिब्रिटी हाँ, फोक सिंगर हाँ, तुसी मेरा इंटरव्यू करो, मैं हारमोनियम गाना मुंडे पापा दोवें भरा बैठो। ए ते गल हो गई, सानू अंदर भरजाई को लैके चलो जी, बिल्कुल पता लग जाता जी। वेखो तुसी ओनू पैर कुटेगी, मेरे कदमा च बहेगी। नाज़रीन 5 मिनट हो चुके हैं और रणमरीत साहब अंदर हैं, अभी तक आए नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। इनका कहना है कि रणमरीत ही छोड़ चुका हूँ, अब मेरा दिल है कि खुद ही अंदर चला जाए। ट्राई करते हैं, दरवाज़ा खुला हुआ। लो जी यहाँ पे तो नक्शे ही बदला हुआ है, ये देखें। जट साहब, ओ भाई किसी दी पर्सनल लाइफ नहीं डिस्टर्ब करी दी मैं तुहानू, मैं 5 मिनट इंतजार कर रहा हूं। मेरे नाल की गल्लां कर गए भाभी? तुहानू पता है इन्होंने की गल्लां की? सारियां गल्लां दी सुन लिया सी। एडा की कह रहे सी दसो जरा? ये कहंदा सी मैं उन्हूं थल्ले ला के रख्या और मैं दबा के रख्या होया, मैं सारा कुछ सुन लिया, चल पैर घुट। जट साहब ऐ की गल हो गई जरा मैनू इधर दसो ना, मेरे पहले मेरे नाल गल करो, भाभी दे ते हुण तुसी पैर दबा ही रहे। जटां दा बाल होवे ते अपनी गल ते ना होवे, बाहर तुसी मैनू कह रहे हो कि मैं भाभी ते पूरा प्रेशर रखे, हुण तुसी आप भी पैरां में बैठे हो ते मैनू भी नाल बिठा लिया तुसी। ओ भाई मेरा प्रेशर ही है, तू 5 मिनट देंदा मैं उन्हूं मना रहा सा यार, हुण तू 10 मिनट भी ले लैंदा फिर भी तू इत्थे बैठ। भाभी ऐ पता की कह रहा सी भाभी? सारियां सुनियां ने ये मुझे पता क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि मैं पूरा दबा के रखा है, पूरा प्रेशर मैं मारना भी हाँ, चंगा अच्छे तरीके नाल दबा के रखा है। अग लाउन आया तो उन्दी मननी है, वो अपने कानों से सुनिए बात, मैं सुनिया सारा। अपना कार खराब करने दे चक्करां च मेरी इनी कार ते नहीं, तैनूं लोड़ केड़ी एडियां फूटा मारन दी? मैं कह रहा था, मुझे ये कह रहे थे जट साहब कि मैं लाखां दा फनकार हां, अपने मेरे गाने ने ते मैं उन रणमुरीदी करांगा, मेरे को लेंदी है 4 बीवियां होर आ जाणगीआं। ओ भाई मेरी गल सुन, मैं तैनूं ऐ चार करनीआं ने? ओ जान नहीं है तेरी, इनी जुरत के तू चार कर? भाई मैं सही मेरे नाल तुसीं बाहर गल करके आयो कि मैं बीवी ते रखिआ पार, भाभी इन्होंने मैंने पता है की किया, इन्होंने मैंने कहा जी कि मैं ओ भाई थल्ले भाई मैं इत्थे ही बैठा, मैं मेरी भाभी मैं गल करनी उन्हें क्यों क्यों बराबर नहीं बैठना थल्ले बैठ जी तुहाडे ने मेरे ओ यार अगे नहीं मानदी पे अल्लाह दा वास्ता, मैं नहीं भाई मैं उत्ते ही बैठना। एक एक बार बैठ दियो भाई, एक बार बैठ भाभी। इन्होंने मैंने कहा कि मैं सिंगर हाँ, लखा रुपये कमाना तो मैनू कोई भी कुड़ी मिल सकती सी, मैं इन्ना खूबसूरत शी जवान जटा का बाल, मैं रणमुरीदी करांगा। कितों खूबसूरत है, बाल तो गेंदे है नहीं, इन्हें किन्ने फसना है, इन्हें तो छीदा खुसरा ना हूँ फसे। तो भाभी तुम किए फस गया? वो तो पहले अज तो 14-15 साल पहले की गल, उदो फिर भी थोड़ा मूँह मथे लगता से, हूँ तो असलो ही क्यों जी भाई ना, तुम कहते हो कि मैं पूरा भार रखा है, तो भाभी कह रही है कि यार मेरे अगे बोले तो सही, उसके बखाए उच्ची आवाज नाल गल करो, मर दो ना। ओए यार जट्टां दा बाल, मैं अपनी जिंदगी दे सोच नहीं सी सकदा, मैं इत्थे ही बैठा। अच्छा ए की टिटो पार्टियां तुसी ला रहे हो बाहर, तुसी सानू कह रहे हो कि मैं भार रखा है, हुण ए की हरकत है? हरकत की टिटो पार्टियां? हां जी टिटो पार्टियां ही ला रहे हो तुसी, ओ तू ड्रामे ना कर, मैं तेरे नाल उच्ची आवाज च बोल सकना, ओ मेरे मुर्शिद ने उहनां नाल नहीं बोल सकदा।
ਬਾਜੀ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਜੀ ਬਾਈ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਜੱਟ ਸਿਆਲ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਆਸ਼ਤਾ ਵਾਸ ਪੀਰ ਡਿਸਟਰਬ ਪੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸਤਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੈਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੀਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਤ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਹੱਥ ਵੀ ਚਲਾ ਹੱਥ ਰੁਕਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਚਲੇ ਜਾਓ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰੋ ਇੰਝ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਭਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੇਖੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਬਸ ਸੁਣ ਲਈ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਰਨ ਮੁਰੀਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਭਰਾਵਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਮਾਸੂਮ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਕਲੀ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾ ਫਿਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕੋੜਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਦੋਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਚੁਈ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਈ ਆ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਘੁੱਟਦਾ ਰਹਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੋੜ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲ ਪਰਾਤ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਵਹਾ ਸੁਣ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਨ ਵੇਖੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਫੁੱਲ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਗਲਾਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਲੋਕੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਏ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਵੀ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਵਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੰਨਤ ਹੈ ਕੀ ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੰਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਨਤ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜੰਨਤ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਚੀ ਫੜ ਕੇ ਮੰਮੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਲਦੈਲ ਦੀ ਚੀਚੀ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੀਚੀ ਪਕੜਨੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੜ ਲਾਂਗਾ ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਕਰ ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਏ ਉਹ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਐ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗੜਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜਕਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਮੈਂ ਭਾਰ ਰੱਖਿਆ ਆ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਭਾਬੀ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਨ ਤੋਂ ਪਕੜੋ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਉੱਤਰ ਓ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਫੂਲੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਪਾਉਂ ਧੋਏ ਜਾ ਫੂਲ ਮੁਬਾਰਕ ਫੂਲ ਮੁਬਾਰਕ ਅੱਜ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕਰ ਓਕੇ ਓਕੇ ਸਰ ਓਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਟੂਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਬਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉੱਚਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਫੂਲ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਆਪ ਪੀਰੋ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪ ਥੱਲੇ ਬੜੇ ਇਧਰ ਬੈਠ ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਚਲੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਨ ਮੁਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜੋ ਤੇਰਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਦਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਾ ਪੰਜਤਨ ਪਾਕ ਤੇਰੀ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਮਹਿਕ ਮਲ ਕੇ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਾਲ ਲਾਵਾਂ ਜੇ ਮੌਲਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਦਦੁਆ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਨਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਫਰੈਸ਼ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹਰਕੇ ਗੁਲਾਬ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵੇਖ ਘੋੜਾ ਹੈ
अल्लाह ने दिता है तुसी ते रन मुरीदी ने दिता रन मुरीदी नाल ये आदमी रन मुरीदी नहीं तू भी मेहनत कर हसद ना कर अल्लाह तेनू भी कुछ देगा तेनू मैं तेरे स्टेटस दाता रिमल शाह। अच्छा भाभी मैं दसो कि बच्चे किने ने? माशाल्लाह दो ने, एक बेटा एक बेटी है। बच्चियां दे पैंपर वगैरह ते उना दे कपड़े वगैरह चेंज वगैरह कौन करवांदा? इन्हां ने करने ने और किने करना। अच्छा बच्चों का ख्याल ये रखते हैं, कमाता कौन है? बदमाशी और अंदर देखी यार उचिया दुकान बड़ा कुछ वहाना सारे काम नहीं करने ने, काड़े सामने अगर जड़ी होनी है भी ने करनी। हाँ, ते होर की ने करनी नहीं ते भाभी ये अगर ज्यादा तंग करे दें दा की हाल है? फिर इन कोटी पैंदी मेरे को डंडे पैंदे ने चपेड़ा पैंदियां ने जो फिर हाथ च आंदा वेलना वुलना सब फिर आप वा दीदा फिर आप नहीं वेखी। अच्छा हुण आखिर दे विच ना जेडे लोग बीवियां नाल प्यार करदे ने उहनां नूं की मैसेज देना चाहोगे? मैं सिर्फ इन्ना कहांगा कि ए मेरा प्यार समझ लो, रन मरीदी समझ लो। हाँ भाई मैं असली नस्ली और पक्का रन मरीद हाँ, ठीक है? मेरे तो वड्डा कोई है तो साबित करे, मैं तुहानू अपनी रजिस्ट्रियां विखा दिना। हाँ जी भाई जी, मैनू खब्बे गुरदे च हो गई सी पत्थरी ते ओ मैं ठुड मारिया ते ठुड्डे मारे ने ते पुड़ के बाहर जा अठ कु दिन नहीं, ये अमानी गल ठुड्डे मारदी सी प्यार प्यार ना। ओ अल्लाह पाक जान होली जान इंजी वजने ने डिजर्व ही है करदे हो भैन, एक मैसेज दियो ते साडी जान छड्डो ते आ कम करो आप। मेरा सिर्फ है वे कि अपनियाँ मैं रन मरीद समझ लो, प्यार करने वाला जोड़ा समझ लो। शोबीज दियाँ बहुत घट शादियाँ कामयाब होंदिया ने, अलहमदुल्ला सानू 14 साल हो गए ने नाल, इंज ही लगता कि जिमें हाले 14 दिन शादी होए ने। तो मेरा मैसेज सिर्फ ये वे कि माशाल्लाह मेरिया अपनिया 3 भैन ने शादीशुदा ने, मेरी एक बेटी है उम्मे अमन, तो मैं अल्लाह अगे ही दुआ करना कि या अल्लाह जो मैं अपनी धी की शादी करा ना तो इनू कोई अच्छा इंसान मिले जिहड़ा इनू शहजादी बना के रखे, तो जिहड़ी साडी बेगम बन के आती है ना वह भी किसी की धी भैन होंदी है। अगर तुसी उहनू शहजादी बना के रखोगे ना तो तुहाडी धी भैन भी अगले घर जाके शहजादी बन के रहेगी।